और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर सिवहारा से। सिवहारा पुलिस को खुलेआम चुनौती। सिवहारा में इसको पुलिस की सुस्ती कहें या चोरों की चुस्ती की, लाख कोशिशों के बावजूद भी चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी जहां पिछले ही कई चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, तो वही बीती रात एक बार फिर हौसला मंद चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए मोबाइल शॉप पर हाथ साफ कर डाला। प्राप्त समाचार के अनुसार नायाब भूरा पुत्र इलियास निवासी मिल्कियान की यहाँ ठाकुर द्वारा मार्ग पर डायमंड मोबाइल शॉप है, जहां आज सुबह दुकान खोलने नायाब आया तो उसको दुकान के ताले टूटे पाए। अंदर देखा तो उसकी दुकान का लाखों की कीमत का सामान, मोबाइल आदि गायब थे। इतना ही नहीं, चोरों ने बड़ा हाथ लगने की खुशी में दुकान के अंदर ही पार्टी की, क्योंकि दुकान के अंदर बियर के खाली बोतलें बयां कर रही हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुआयना करते हुए जांच शुरू कर दी है, जबकि अन्य दुकानदारों में घटना के बाद भय का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम नयाब अहमद, मैं ठाकुर द्वार रोड पे, मेरी दुकान है मोबाइल की। अभी चार दिन पहले मेरे भाई का ट्रैक्टर खड़ा था, उसका बैटर निकाला और आज मेरी दुकान का शटर खोला, पता नहीं किस टाइम तोड़ के, और जिससे मेरे कीमती फोन थे छोटे बड़े सारे सेकंड हैंड सारे नए फोन सब ले गए। लगभग कितने का सामान चोरी हुआ आपका? लगभग कम से कम 2 लाख रुपए से ऊपर का फोन था मेरी दुकान। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? अभी तो मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने तो दुकान भी अभी देखी आकर के। पुलिस को सूचना नहीं दी गई? अभी पुलिस को नहीं गया, वैसे गश्त वाले आए थे, उन्होंने देख लिया है पुलिस वालों ने। आसपास क्या हो रहा था? आसपास यहाँ जागरण हुआ है पूरी रात, और मेरी दुकान में बहुत बढ़िया से इंजॉय करा, शराब की बोतलें पड़ी हैं और उसे मेरे सारे सामान लेकर के चले। अभी आप क्या चाहते हैं? अच्छा, मैं अपना माल चाहिए मुझे पुलिस से, मैं लूँगा अपना माल, पुलिस मुझे माल दिलवाएगी। मैं ठीक है।